सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं तो बाबा 10 साल का घर छोड़ दिया था। ये तो प्रकृति माया है भोलेनाथ की, जो है ना, ये सबके ऊपर नहीं होता। कोई बदमाश बन जाता है, कोई कतली बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई बाबा ही बन जाता है, तो वो सबके बस का बाबा बनना भी नहीं है। बाबा बनना सारी भूमि को फूंक देना, भूख प्यास मतलब कोई भी चीज है वो फूंकना है उसको। फूंकना मिल गया तो ठीक है, प्राण बच गए, और नहीं तो वो बैठा रहेगा, भोलेनाथ को याद करता रहेगा। मैंने अपने जीवन में भगवान के संग में भी, मैं वो मेरी परीक्षा कह लेंगे, मैंने उनकी परीक्षा ली। मैंने 21 दिन तक मतलब पानी पानी से, मैं बोला मैंने भोलेनाथ तो खुद में खुद आके आएगा तब खाऊंगा, नहीं तो खाना ही नहीं है साले को। मैंने ऐसे आत्महत्या कर देनी है मैंने साले को। अच्छा, तो मेरे को 27 दिन के बाद जो है शाम के टाइम पर 2-5 मील का भोजन 2 आदमी लेके आए और जबरदस्ती खिला के गए मेरे को, और वो जहाँ ठिकाना बताया वहाँ हम गए। उस नाम का कोई है ही नहीं। तब मैंने सोचा कि थोड़ा हम चूक गए, उसको अगर पकड़ लेते तो ठीक था। ये धुनी है 10 सालों का प्रॉपर अग्नि, ये 7 फुट गहरा है। मैं कभी 60 वर्ष पहले सोचता था कि यहाँ जरूर कुटिया बनाऊंगा। रोड काली ऋषिकेश से टिहरी तक थी ये वाली, तो उस समय पर सोचता था कि मैं जरूर कुटिया बनाऊंगा। होते करते 74 साल की मेरी उम्र हो गई, तो अब जाके मैंने ही कुटिया बनाया और बाकी किसी ने नहीं बनाया। जिन्हें कितने आए, कितने अंग्रेज आए, जिन्हें कितने कौन कौन आए, ये सब अमन के चक्कर चलती है मेरी ये सब।